आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मौसम को लेकर देश भर से आ रही है बड़ी खबर, तो जानेंगे आज की वीडियो में विस्तार से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हरियाणा की बात करते हैं। सबसे पहले हरियाणा में ठंड का कहर लगातार जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने भी 29 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही शीतलहर का कहर भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि सोमवार को महेंद्रगढ़ में 0.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं रविवार को सिहार के वासलमंद में पारा 1 डिग्री पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पहाड़ों पर भारी हिमपात के बाद वहां से पश्चिम की तरफ से बह रही बर्फीली हवाओं से मंगलवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। ज़्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों में आज पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। कड़कड़ाती धूप का मजा ले सकते हैं, लेकिन रात को बादल हो सकते हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 जनवरी के तापमान में वृद्धि होने लगेगी। 19 से 22 जनवरी को दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सीमित स्थानों और 22 से 24 जनवरी के दौरान अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 23 और 24 जनवरी को 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दिल्ली में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। आपको बता दें, अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली NCR सहित उत्तर पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजस्थान, दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बन सकती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में शीतलहर स्थिति कायम रहेगी। राजस्थान के कई हिस्सों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ग्राउंड फास्ट हो सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां भी तेज हो सकती हैं। अगले 24 घंटे के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की भी उम्मीद है। राजस्थान के कई हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, पटना और उत्तराखंड में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति भी जारी हो सकती है। गुजरात और बिहार में भी ठंडक तेज हो सकती है। फिलहाल हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक पाला गिर सकता है और बारिश हो सकती है। ये थे आज के मौसम समाचार। आपके शहर में, आपके राज्य में मौसम का हाल कैसा है, आप हमें कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।